हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने इंडक्टर वाले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका पार्ट टू होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था जो इंडक्टर है ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है। ओके, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जहाँ पे भी समय के साथ अगर करंट चेंज हो रहा है या फिर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ भी क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि वो जो चेंज हो रहा है उस कॉइल के अंदर, ठीक है, चाहे करंट हो या फिर फ्लक्स हो, वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो जिसके चलते वो चेंज आ रहा है उसके अंदर, तो उसको क्या करता है, अपोज करता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग रिविज़न करते हैं। ये मान लेते हैं आपका हॉलो सिलेंड्रिकल कोर है और इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से वाइंडिंग कर रखा है, और ये वाइंडिंग हम लोग मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लगा करके सर्किट को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इस सिचुएशन में मान लेते हैं जो आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट बहुत ही दूर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो फ्लक्स है आपका ये अभी जीरो है, ठीक है। तो हमेशा क्या कहेगा कि मेरे अंदर फ्लक्स जीरो ही रहना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को मोशन मिला रहे हैं, यानी इसको हम लोग धीरे 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 क्या कर रहे हैं, इस कॉइल के पास लेकर के जा रहे हैं। तो ऑलरेडी समझाया था मैंने कि धीरे धीरे जब जा रहा है इसका मतलब क्या, टाइम लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, आपका जो फ्लक्स का वैल्यू है ये भी आपका चेंज होने लगेगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बताया था कि क्योंकि इसको जीरो पे ही रहना पसंद है तो हमेशा कहेगा कि मुझे जीरो पे ही रहना है, ओके। लेकिन इसको आप नज़दीक लेके आ रहे तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ कभी वन वेबर होगा, फिर दो वेबर होगा, तीन वेबर होगा, डिपेंड करेगा कि आप इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, टाइम भी आपका चेंज हो रहा है क्योंकि इसके पोजीशन को चेंज करने में, यानी ए से जब बी पे जाएगा, बी से फिर सी पे जाएगा, सी से फिर डी पे जाएगा, तो इसमें समय लगेगा, ओके। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्योंकि ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये इस कॉइल को पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसको पसंद नहीं है तो क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि ये नेचर का नियम होता है, ठीक है। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फिर इस मैग्नेट के कारण इसके अंदर फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है, तो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को ही एक तरीके से क्या करेगा, अपोज करेगा ना। तो ये अपने आप को खुद से क्या करेगा, इधर नॉर्थ बना देगा और इधर आपका साउथ बना देगा, ओके। और जब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बन गया तो सीधी सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है हम लोग को तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन, करंट कहाँ से आएगा वो पता है, चेंजिंग फ्लक्स, यानी जहाँ पे भी समय के साथ आपका फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पे क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो और ये पूरा पूरा कॉइल जो है कंप्लीट है, यानी क्लोज्ड पाथ है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के चलते क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। फिर कहिए इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो होगा कि इधर आपका नॉर्थ बनेगा और इधर आपका साउथ बन जाएगा, जिसके चलते क्या करेगा, इस मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था। यहाँ पे करंट की बात करें तो ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए, इस मैग्नेट को मैंने धीरे धीरे लाकर क्या कर दिया है, अंदर पहुंचा दिया है, क्योंकि ये हॉलो है तो यहाँ पे समझिए इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इधर से पैक कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम लोग। ये मान लेते हैं आपका सोलेनोइड है और अभी जो आपका परमानेंट मैग्नेट था ये मान लेते हैं इसके अंदर पूरा पूरा आ गया है, ओके, नॉर्थ और इधर आपका साउथ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, क्योंकि आपने इधर से इसको पैक कर रखा है, ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, फिर से इसको पीछे खींचेंगे अब, ठीक है। लेकिन आप समझिए, जब ये बिल्कुल अंदर आ रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मतलब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मैक्सिमम फ्लक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि
अब इसको वापस लौटना है, यानी फिर से इसको पीछे खींचेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, एक तरीके से हम लोग मोशन में कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर क्या हो, आपका EMF इंड्यूस्ड हो, क्योंकि फ्लक्स को चेंज करना बहुत कंपलसरी है। तो क्योंकि अभी इधर से आ करके ये यहाँ पे एक तरीके से आ चुका है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसने अपने आप को क्या किया होगा, पाउज किया होगा, ठीक है, ओके, यानी अपने आप को रोका होगा, और मतलब कुछ क्षण के लिए तो रुकेगा ना, समझ रहे बात को, उसका फिर से क्या होगा, फिर से इधर की तरफ भागेगा। जैसे आप मान लेते हैं इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो अगर आपको उल्टा घूमना है, ठीक है, वापस घूमना है, फिर ऐसा समझिए, जैसे मान लेते हैं आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं ऊपर, तो बॉल जब आप ऊपर फेंकिएगा तो बॉल क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर पोजिशन पे आ करके अपने आप को स्टॉप करेगा, यानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, और फिर से क्या करेगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो जहाँ से यानी मैक्सिमम हाइट जहाँ पे अटेंड किया है इसने, वहाँ पे क्या होता है, फिर ये कुछ देर के लिए रुकता है और फिर से फिर नीचे गिरने लगता है। तो वही चीज़ है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, इस सोलेनॉइड के अंदर यानी इस कोर के अंदर घुस चुका है। तो क्योंकि इधर आप आगे जा नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉक रास्ता है, तो आप इसको क्या करना होगा, फिर से पीछे खींचना होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं, समझ, तो क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ समय के लिए पाउज हुआ होगा ना, ये मैग्नेट पाउज हुआ होगा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स, मान लेते फ्लक्स जो है आपका 5 वेबर है यहाँ पे, ठीक है, इस सिचुएशन में जब ये अंदर घुसा हुआ है। तो भाई अब ये कॉइल क्या कहेगा, ये कॉइल कहेगा कि अभी मेरे अंदर 5 वेबर का 5 वेबर ही रहने दो, समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि जब आप इसको धीरे 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 पीछे खींचिएगा, यानी इधर से बाहर निकालिएगा, तो क्या होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे दूर जाएगा समय के साथ, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मेरा फ्लक्स होगा ना, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे टी इक्वल टू टी नॉट पे मान लेते हैं, टी इक्वल टू टी नॉट पे मान लेते हैं मेरा 5 वेबर था, मतलब ये मैग्नेट जो है अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं टी इक्वल टू टी वन पे, अब क्योंकि मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, तो मान लेते हैं मेरा 4 वेवर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से टी इक्वल टू टी थ्री पे, सॉरी टी टू पे मान लेते हैं मेरा अब 3 वेवर हो गया। उसी तरीके से टी इक्वल टू टी थ्री पे मान लेते हैं मेरा 2 वेवर हो गया, मतलब धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब देख रहे हैं टाइम भी चेंज हो रहा है और मेरा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको ये चेंजिंग वाला फ्लक्स फिर से पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ये कहेगा कि मेरे अंदर जो 5 वेवर था, क्योंकि यहाँ पे पाउज हुआ है सिचुएशन, तो मेरे अंदर 5 वेवर ही रहने दो, ओके, क्योंकि इसको चेंजिंग पसंद नहीं है, हमेशा फिक्स वैल्यू पे रहना चाहता है। तो क्योंकि इसको अब 5 वेबर पे ही अपने आप को सस्टेन करके रखना है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, जैसे ही आप इस मैग्नेट को धीरे 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 खींचिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, इस कॉइल के अंदर फिर से एक EMF इंड्यूस्ड होगा, और वो जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसके चलते जो करंट फ्लो होगा ना, और वो करंट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि इस बार इधर इसका, ऐसे समझिए यहां पे, ये हो गया आपका, सॉलिनॉइड, ओके, अभी मान लेते हैं मैग्नेट, मैंने ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ, मतलब यहाँ से खींच करके, ये आपका फर्स्ट केस है जब इसके अंदर घुसा हुआ है पूरा पूरा, ठीक है, जहाँ पे 5 वेवर इसको दिखाया हम लोगों ने। अब मान लेते हैं सेकंड केस में मैग्नेट को मैंने बाहर निकाल के यहाँ तक लिया, मतलब खींच लिया इसको बाहर, ठीक ना भाई। तो अभी आप समझिए इसका काम क्या है, इसका काम है 5 वेवर पे ही रहना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप इसको धीरे धीरे इधर खींच के यहाँ पे ले आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स मेरा चेंज हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ, समझो कि इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो, EMF इंड्यूस्ड होने के चलते अब जो करंट फ्लो होगा इसका इस तरीके से डायरेक्शन होगा कि इस बार इधर साउथ बनेगा और इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है, अपोजिट बन रहा है, इससे पहले वाले केस में तो नॉर्थ बन रहा था, क्योंकि अपोज कर रहा, समझिए, क्योंकि इसको भाई 5 वेवर पे रखना है, ठीक है। तो 5 वेवर पे रखने का मतलब क्या, ये अब इस बार एडअप होने की कोशिश करेगा, समझ रहे बात को, नॉर्थ पोल के साथ इधर साउथ पोल बनाएगा अपना, ओके, ताकि ये अपने फ्लक्स को कभी भी इजिली कम नहीं होने दे, समझ रहे हैं, ये 5 वेवर का 5 वेवर बना हुआ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि फर्स्ट केस जब हम लोगों ने एनालाइज किया, तो फर्स्ट केस में था इसके पास 0 फ्लक्स, तो ये कहेगा कि मेरे अंदर 0 ही रहने दो, तो 0 तो रह नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग उसको धीरे 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 क्या कर रहे हैं, नज़दीक लेकर के आ रहे हैं। तो नज़दीक लेकर के आने का मतलब क्या है कि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके चलते यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ, EMF इंड्यूस्ड होने के चलते, क्योंकि इसको 0 पे ही रहना है भाई, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, इसको मतलब अपोज करेगा, ठीक है। इसलिए इसने अपने आपको नॉर्थ पोल बनाया था, इधर साउथ पोल बनाया था, कि इसको ये काम कर सके, उसका
फोकस क्या था, अपने आपको जीरो पे रखना, राइट। लेकिन जब ये मैग्नेट पूरा पूरा अंदर घुस गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब अंदर घुस गया है तो क्योंकि अब यहाँ पे जो फ्लक्स है ये मैक्सिमम पहुँच गया है, ठीक है, पाँच वेबर पहुँच गया है, तो अब इसका हमेशा काम रहेगा कि मेरे को पाँच वेबर पे ही रखना है अपने आप को, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं कि मैग्नेट को मैं फिर से बाहर निकाल रहा हूँ, यानी खींच रहा हूँ, यहाँ से दूर लेकर के जा रहा हूँ, तो क्योंकि अब इसका प्रायोरिटी हो गया एक तरीके से पाँच वेबर मेंटेन करके रखना, तो आपको पता है क्योंकि इसको यहाँ से मैंने खींच लिया बाहर, तो टाइम के रिस्पेक्ट मेरा फ्लक्स चेंज होता, अगेन इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते फिर से इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन इस बार इस तरीके से होगा कि इधर मेरा साउथ बनेगा, इधर मेरा नॉर्थ बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि ये अब तुरंत भर में पांच वेवर से कमना नहीं चाहता है, समझ रहे, इसलिए इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, समझ तो क्या, ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, क्लियर। तो बोले यहाँ पे अपोज कैसे कर रहा है, अपोजिशन कहाँ गया, ये तो ऐड कर जा रहा है, ये बिल्कुल अपोज कर रहा है। इसको हम लोग दूसरे सेंस में समझना होगा। सबसे पहले समझिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आई मीन करंट का इस तरीके से होगा। समझिए इस केस में भाई, जब ये जीरो था, ठीक है, मतलब इसके पास जब कुछ भी नहीं था, तो इसको जब हम लोग दे रहे थे, देने का मतलब है जब हम लोग फ्लक्स बढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे कि नहीं नहीं मेरे को फ्लक्स नहीं चाहिए, मेरे को जीरो का जीरो ही रहना है। ओके, जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, समझ लेते हैं कोई आदमी है, ठीक है, अभी आदमी क्या कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो आप मना करते हैं ना कि नहीं नहीं मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। तो स्टार्टिंग में ही केस है, जब ये जीरो पे था तो अपने आपको कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को जीरो पे ही रहना है, मुझे कोई भी फ्लक्स फ्लक्स नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अभी आपने क्या किया, गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट देने का मतलब क्या है कि आपने मैग्नेट को कहाँ लेकर के चला, मतलब चलाया है इसके अंदर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया भाई, गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इसके पास ये पाँच वेबर बन चुका है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि अब मैंने जो गिफ्ट दिया वो मेरे को तुम दे दो, ठीक है, यानी रिटर्न कर दो, छीन रहे हैं आप उससे गिफ्ट। तो भाई अब सीधी सी बात है, ये इतना आसानी से तो नहीं देगा ना गिफ्ट, समझ रहे हैं, क्योंकि ये यूज्ड टू हो चुका है, उसको गिफ्ट पसंद आ चुका है, ठीक है। तो इसका अभी यही कॉन्सेप्ट था कि इसको पाँच का पाँच पे रहना है, ठीक है। तो अब पाँच का पाँच रहना, इसका मतलब क्या हो, क्योंकि आप गिफ्ट देना नहीं चाहता है ये, तो हमेशा गिफ्ट नहीं देने का मतलब क्या है कि अपने आपको फिर से क्या करेगा, पाँच के पाँच पे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको जब हम पीछे लेकर के जा रहे हैं, इसको जब हम लोग पीछे खींच लिया, तो इस बार क्योंकि इसको देने का मन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या, इधर ये साउथ बनाएगा और इधर नॉर्थ बनाएगा, अगेन समझ रहे बात को, तो यहाँ पे यही है, अपोज कर रहा भाई। देखिए ऐसे समझिए, एक ही बार में इसने आप, मतलब आपने इसको, मान लेते हैं आदमी ए है या आदमी बी है, ठीक है, इसको आपने पहले गिफ्ट के लिए बोला तो गिफ्ट के लिए मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने गिफ्ट, मतलब आपने ज़बरदस्ती दे दिया, ठीक है, गिफ्ट ले लिया इसने, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, सब गिफ्ट छीन रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है गिफ्ट देगा नहीं ना, समझ बात, तो दोनों जगह अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब आप दे रहे थे तो ले नहीं रहा था, ठीक है, और जब आप मांग रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी दे नहीं रहा, तो दोनों के केस में अपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ। ओके, यही कॉन्सेप्ट है डीसी ट्रांजिएंट में, जब आप पढ़िएगा। ओके, तो ये मान लेते हैं आपने यहाँ से अप्लाई किया, तो जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, तो स्विच क्लोज करते हैं क्या हुआ, पहले करंट मेरा क्या था, जीरो था, आई मीन टी इक्वल टू जीरो पे करंट मेरा मान लेते हैं जीरो था, लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑन किया, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक ये सर्किट लगा हुआ, मतलब स्विच लगा हुआ, तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया भाई, तो स्विच ऑन करते ही क्या हुआ होगा, टाइम, मतलब स्विच ऑन करने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा, मान लो टी इक्वल टू टी वन पे मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो करंट मेरा क्या होगा, अब क्योंकि स्विच ऑन है इसका मतलब क्या, करंट मेरा पहले जीरो था, अब डायरेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को, मान लेते अभी मेरा करंट जो है वन एम्पीयर फ्लो हुआ, तो बताइए तो करंट में चेंजिंग हुआ कि नहीं, पहले जीरो फिर वन, तो बताइए तो करंट में चेंजिंग होने के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो भी चेंजिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा, बोलिए, हाँ। अब फ्लक्स अगर मेरा चेंजिंग नेचर का, मतलब क्या, नियम एफ इंड्यूस्ड होगा, और क्योंकि ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमेशा क्या कहेगा, मेरे अंदर हमेशा करंट क्या होना चाहिए, जीरो का जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि यह पहले क्या था, जीरो पे, तो हमेशा जीरो ही रहने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर वन एम्पीयर करंट आ गया, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में करंट मेरा चेंज हो, तो फ्लक्स भी मेरा चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि अपना खुद का एक करंट फ्लो करवाएगा, और ये करंट क्या करेगा, मेन करंट को अपोज करेगा, मतलब वन एम्पीयर जो तक करंट आ रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है, तो करंट मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगा, फिर से इसी तरीके से प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। मान लेते हैं आपका टी इक्वल टू इन्फिनिटी वाला चल रहा है प्रोसेस, टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब बहुत देर से स्विच ऑन हो गया है, इसका मतलब क्या, जितना आपका करंट था वो पूरा पूरा इसमें फ्लो होना, यानी शॉर्ट सर्किट इधर बिहेव कर रहा है। मान लेते हैं सिचुएशन में आपने क्या किया, यहाँ से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या, अभी भाई क्योंकि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट का वैल्यू कितना था, मान लेते हैं आठ एम्पीयर इसके अंदर फ्लो था, सिंपल वे में समझिए, तो अब ये कहेगा ना कि मेरे अंदर आठ एम्पीयर का आठ एम्पीयर रहने दो, मैं तुरंत जीरो नहीं होना चाहता हूं, फिर मेरे को जीरो होना पसंद नहीं है, समझ रहे बात को, तो अपने आपको आठ के आठ एम्पीयर पर रखने के लिए, क्योंकि यहां से मैंने क्या कर दिया, सप्लाई कट कर दिया, सप्लाई कट कर दिया इसका मतलब क्या, इधर से मेरा करंट एक तरीके से फिर से वही समझिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जो ये प्रोसेस बताया ना वही सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने आपको क्या करेगा, इस तरीके से इसके अंदर ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा कि अब इस बार जो इसका खुद का करंट होगा ना, ये
इस 8 एम्पेयर वाले करंट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, इसलिए जल्दी डिके नहीं होता है, मतलब जल्दी इसको डिस्चार्ज किए तो डिस्चार्ज नहीं होगा, जल्दी इसको चार्ज कीजिएगा तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका इंडक्टर का, और ये आपका नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जैसा पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन पड़ेगा, ओके मान लेता आर वाई बी, तो क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं, यानी जहाँ पे भी एसी, इसका मतलब क्या, तो करंट कैसा है आपका डी आई बाई डी टी नेचर का है, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी नेचर कहने का मतलब क्या हुआ भाई, इसमें जो फ्लक्स सेटअप होगा डी फाई बाई डी टी नेचर का, और फ्लक्स जहाँ पे चेंजिंग होगा, क्योंकि इस कंडक्टर को कभी भी ये फ्लक्स चेंजिंग पसंद नहीं है, तो हमेशा आप कहिएगा ना इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते हमेशा क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब क्या, आपका यहाँ पे इंडक्टेंस आएगा, क्योंकि जो अपोज कर रहा है कितना वो अपोज करेगा वही तो डिफाइन करता है इंडक्टेंस, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक सिंगल वायर, जैसे बोलता है कोई बच्चा कि सिंगल वायर में कैसे एन तो जीरो है, भाई सिंगल वायर का मतलब एन जीरो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जीरो नहीं, सिंगल कंडक्टर का मतलब होता है एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है भाई, या फिर कहीं यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इस पर्टिकुलर कॉइल में, आपको बताया था मैंने फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन डी फाई बाई डी टी के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे इस सिंबल को रिमूव करें, सिंपल यहाँ पे वही है, एन कॉन्स्टेंट लगता है, माइनस लगाएंगे क्योंकि अपोज करता है डी फाई बाई डी टी। अब समझिए, इसको ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से आया है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर ब्रेक करें, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और N को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, राइट, ठीक है। N को मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए N फाई, ठीक है, ये क्या होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज होता है, ओके। और आपको पता होना चाहिए जो फ्लक्स लिंकेज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के ऊपर, ओके। और करंट के ऊपर अगर प्रोपोर्शनल है भाई, देखिए इसको बोलते हैं एन फाई, मतलब फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कितना मतलब फ्लक्स लिंक कर रहा है, सिंपल सा करंट के ऊपर, मतलब जितना तक करंट होगा उतना ही फ्लक्स होगा ना, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी डिवाइडेड बाई डी टी, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू एन फाई, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं भाई, इसको कुछ नहीं किया मैंने, इसी को बस इसको अंदर ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब समझिए, E इक्वल टू माइनस डी और ब्रैकेट में एन फाई बाई डी टी, और क्योंकि एन फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के ऊपर, यानी मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी होगा ये आई के ऊपर, और यहाँ पे भाई इसके जगह मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल टू आई, ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डी आई बाई डी टी है तो रहेगा ही ना इसके साथ में, ओके, डी बाई डी टी और ब्रैकेट में आप आई कर लीजिए, ठीक है। यानी ई, आप सिंपल लिखिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी आई बाई डी टी के, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनल सिंबल को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा लगता है एक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं एल, ठीक है, और ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, और क्योंकि ये अपोज करता है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ये हो गया एल, जहाँ पे है आपका इंडक्टेंस, ठीक है, और इंडक्टेंस का मतलब हमेशा अपोज करेगा, यही आपके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा वहाँ पे अपोज करेगा करंट को, उतना जल्दी बढ़ने नहीं देगा, या फिर कहिए उतना जल्दी घटने नहीं देता है। अब इंडक्टेंस की बात करें तो ये भी आपका दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और एक होगा आपका म्यूचुअली इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे इस कॉइल के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस कॉइल के अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और जो भी ईएमएफ के चलते करंट आया, उस करंट के चलते जो भी ऑपोजिशन किया, मतलब जो भी इसको अपोज किया, इस मैग्नेट को इसने अपोज किया, ठीक ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब खुद के अंदर जो ईएमएफ आया, उस ईएमएफ के चलते जो करंट आया, जो करंट के चलते जो अपोज कर रहा है उसको बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद के अंदर जो जनरेट हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपने यहाँ पे कॉइल बना दिया, ठीक है, ओके, और यहाँ से मान लेते हैं एसी सप्लाई दे दिया। अब आपको पता है क्योंकि ये एसी, ऐसा मतलब क्या, करंट मेरा टाइम वेरिंग हो, करंट मेरा टाइम वेरिंग, मतलब क्या, फ्लक्स भी मेरा टाइम वेरिंग हो, फ्लक्स टाइम वेरिंग मतलब क्या, अब इसको फ्लक्स चेंजिंग वाला पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये खुद का अपना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है, और ये ईएमएफ एक तरीके से करंट लेकर के आएगा, और ये करंट क्या करेगा, इस मेन करंट को अपोज करेगा, समझे। तो यही है भाई कि
इस कॉइल के अंदर, ठीक है, इस कॉइल के अंदर इस टाइम वेरिंग करंट के चलते जो टाइम वेरिंग फ्लक्स सेटअप हुआ, इस फ्लक्स को इसको पसंद नहीं से चलते इसने ईएमएफ इंड्यूस्ड किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो करंट फ्लो करवाया। अब ये कितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएगा, मतलब कितना ही अपोज करेगा, वही बताता है इंडक्टेंस। तो इसके अंदर खुद का जो इंडक्टेंस आ रहा है ना इस कॉइल के अंदर, खुद के ईएमएफ के चलते जो खुद का करंट है उसके चलते जो इंडक्टेंस आ रहा है, मतलब कितना अपोज करेगा इसका खुद का करंट, वही बता रहा है इंडक्टेंस। इस इंडक्टेंस को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब जब आप ट्रांसफॉर्मर सब पड़ गया तो वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे, ज़्यादा हम लोग उसको डेप्थ में नहीं लेके जाना है। ओके, तो इंडक्टर का क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, कहाँ पर आता है, जहाँ पर भी करंट में वेरिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कहिए फ्लक्स में वेरिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहीं पे भी चेंजिंग होगा वहाँ पे आपका ये इंडक्टेंस आएगा है, क्योंकि इसको ये पसंद नहीं है। ओके, और चेंजिंग पसंद नहीं, इसका मतलब उसको अपोज करेगा, ये हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने के लिए खुद का अपना क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने चलते करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब उसको अपोज कर देगा, ठीक है। एक होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, समझिए। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, ये भी आपका नेचुरल फेनोमेना होता है, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना कहने का मतलब ये भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस भी क्या करता है, द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए करंट का मतलब होता है सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें यहाँ पे, तो चार्ज को अगर समझना है तो इसके लिए आपको एटम को समझना होगा। एटम को आप एनालाइज करें तो आपको पता है कि एटम के अंदर भी हमारा तीन पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के चलते हमारा नेगेटिव, प्रोटॉन के चलते हमारा पॉजिटिव, यानी चार्ज जो होता है मेरा इस पूरे होल यूनिवर्स में दो ही तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते, पॉजिटिव मेरा प्रोटॉन के चलते। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जो है यानी प्रोटॉन जो है मेरा फिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग कभी भी मूव नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा न्यूक्लियस एटम का और ये आपका ऑर्बिट है, तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा न्यूक्लियस होता है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है अपने ऑर्बिट में मोशन में होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मोशन में है, तो अगर मैं इसको अगर किसी तरीके से बाहर निकाल लूँ, इसको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बना लूँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते क्या है, अब क्योंकि ये फ्री हो चुका है, फ्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लगता है, आप बैटरी अप्लाई करते हैं। और बैटरी का कहने का मतलब क्या है, सिंपल कुछ नहीं भाई, यहाँ पे सिंपल बैटरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बगल में रख रहे हैं, इससे जल्दी क्या होता है अट्रैक्ट होकर ये बाहर अपने यहाँ से निकल जाता है। मतलब जैसे ही अपना ये वैलेंस ऑर्बिट को छोड़ता है, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर सिंपल वे में समझाओ, मान लेते हैं मेरा वायर है और इसको मैं यहाँ पे बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए बैटरी में कुछ नहीं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर यानी इसके पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कुछ नहीं होता भाई, इसका मतलब हो गया सीधे सीधे यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, ठीक है, समझ में। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम है, इसलिए तो ये पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। यानी पॉजिटिव कहने का मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो समझिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अब इसके अंदर जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ओके, जैसे इस कंडक्टर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं, ये कंडक्टर हो गया, बैटरी हो गया, और यहाँ पे मैं एक एटम को दिखाता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस हो गया एटम का। ओके, ये मान लेते हैं आपका वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। इसमें और भी बैंड बनेगा लेकिन एक ही दिखा रहा हूँ मैं सिंपल। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है भाई, और यहाँ पे मैंने क्योंकि एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रख लिया है, किससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसके न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा ये बैटरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो इलेक्ट्रॉन है ऑटोमेटिक यहाँ से अपने वैलेंस बैंड से निकल करके, क्योंकि अट्रैक्ट होगा, वायर दे रखा हम लोगों ने, अट्रैक्ट होगा मतलब यहाँ से निकल जाए रिलीज होकर के, फिर क्या होगा इस तरीके से आकर के इसके पास अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब समझिए जो चार्ज लगा ना, यानी यहाँ पे जो आपने बैटरी लगाई, बैटरी क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, जो कि इसको यहाँ से उखाड़ने में हेल्प करता है, मतलब उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी वर्क डन एक तरीके से करता है। अब आप समझिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है ना, अगर हम लोग इसको और बेटर वे में समझे, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एटम को दिखाया, लेकिन ये इसमें करोड़ों करोड़ों एटम होंगे ना, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल समझिए, जैसे हमने बैटरी सप्लाई दिया तो आपका क्या होगा, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। समझ रहे, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके, मतलब वैलेंस बैंड से निकल चुका है। तो ये क्या होता है, अब क्योंकि इसको
पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है, सीधे नहीं जाता है इस तरीके से, लीनियरली नहीं जाएगा, ये जिगजैग मोशन में जाता है। जिगजैग मोशन कहने का मतलब क्या हुआ, इनमें हमेशा कोलिजन होता है, ठीक है, इस तरीके से टकराते 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 आगे भागता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कहीं पे भी कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी पैदा होता है। कैसे, जैसे अगर आप क्लैपिंग करते हैं बहुत लंबे समय तक, अगर आप क्लैपिंग करते रहते हैं 10 से 15 मिनट तक, तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। या फिर सिंपल समझिए, अगर मान लेते आपके पास एक कील है, ठीक है, कांटी है, उस पर आप हथौड़ी से मार रहे हैं, ठीक ना, बहुत देर से मारिएगा तो क्या होगा, ये पूरा जो ऊपर वाला टॉप है ना, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर सिंपल जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर आप हथौड़ी चलाते रहिए, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही है, क्योंकि इनके बीच में कॉलिजन होता है भाई, टकराते रहता है, जिगजैग मोशन में चलता है, तो टकराने के कारण क्या होता है, इनमें गर्मी पैदा होता है। वो गर्मी एक तरीके से कहिए कुछ नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। या फिर कहिए ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को आगे भागने में क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। और उस रुकावट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कह सकते हैं ना, जितना ज़्यादा इसमें गर्मी पैदा होगा, मतलब जितना ज़्यादा इसमें हीट पैदा होगा, अब हीट पैदा होने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना ही ज़्यादा ना हीट होगा, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा एक दूसरे से, कहेंगे ना, उतना ही ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपली हीट के सेंस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पैदा होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण, आप कहेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्लियर। तो रेजिस्टेंस सिंपल है करंट के, या फिर कहिए चार्ज के, चार्ज में भी किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक तरीके से अपोज करता है ये, राइट। लेकिन जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर आपका चेंज इन करंट को अपोज करता है हमेशा। करंट के अंदर चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे कभी भी इंडक्टेंस नहीं आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट करके पूछा था मुझसे कि दोनों में अंतर क्या होता है, बताइए। तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस को समझ लिया, इंडक्टेंस को समझ लिया, एक होता है आपका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के ऊपर भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे।